गुड मॉर्निंग। सही क्लास में तो आए हो ना? हाँ। नहीं, कल पता है क्या हुआ, मैं रूम नंबर 3 जो हिंदी मीडियम वाला है उसमें चला गया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पगले पढ़ भी रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि सर आपका लेक्चर नहीं है, किसी और का लेक्चर है। फिर दूसरे सर आए तो उन्होंने बोला कि सर मेरा लेक्चर है। फिर मैं सही क्लास में गया 15 मिनट ले। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? जो रोज 10 मिनट पढ़ रहा है ना उसको जरूर पता होगा कहाँ तक हुआ। You don't have to be extraordinary, you just have to be consistent. अब हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस देखेंगे। पेपर को ऐसे बाइफरकेट कर लीजिए। अच्छा, मॉड्यूल डिस्कशन करना था। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। टू। यस सर। लगता है सबने किसी ने मॉड्यूल नहीं लगाया तभी आवाज नहीं आ रही है, सबके सब मर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसकी शादी नहीं होगी, और शादी अगर हो गई तो पति लंगड़ा होगा। शादी नहीं होगी तो क्या आया? कल शाम के बैच से मेरे पास एक लड़का आ रहा है इमोशनल होके। सीरियसली बोल रहे कि सर आप बात बात पे बोलते रहते हो, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, अगर मेरी सही में शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। तो मैंने बोला भाई माफ कर, और किसी की हो ना हो तेरी हो जाएगी। अब खुदा ना खास्ता इसकी सही में शादी नहीं हुई ना तो आके मेरी गर्दन उड़ाएगा कि सर आप ही कहते थे शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, दिन में एक बार जमान पर सरस्वती माता बैठती है। फिर आके बोलेगा कि सर मेरे लिए कोई सुंदर सी कन्या ढूंढ के लाओ, करीना या कटरीना जैसी। और भाई मैं क्या करूँ, शादी नहीं हो रही तो सलमान खान की भी नहीं हुई। अच्छा हाँ ठीक है, फिर वाइफ को बात कर लू। मेरी वाइफ से, और लड़कियां होती है टैलेंटेड है, एक पूछेंगी कि कितने बजे तक आ जाओगे, 5 बजे तक या 7 बजे तक, तो वो पूछ नहीं रही है, वो बता रही है। 5 बजे तक आ जाओ तो ठीक है, वरना 7 बजे तक तो आ ही जाना। और फिर मैं और टैलेंटेड, कहेंगी सब्जी ले आओ जाके। अब तुम ही बताओ अच्छा लगेगा तुमको कि तुम्हारे सब्जी लेकर आ रहे हैं। फिर मैं भी ना कभी काम की मना नहीं करता, बोलूं कि हाँ अभी ला रहा हूँ 5 मिनट, अरे अरे बस अभी जा ही रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि लेके आना है, सब्जी वाले के पास गया, उसको बोले कि भैया सारी सड़ी हुई सब्जियाँ भर दो। वो सब्जी वाला पूछ रहे हैं क्यों आपकी मैं से क्या कि नहीं भैया आप बस भर दो। फिर घर पे लेके गया वो सब्जी, उस दिन के बाद से ना मम्मी ने बोला ना वाइफ ने बोला कि सब्जी लेकर आ जाओ। अरे हद होती है, तो तुमको पता तुमको अच्छा लगे ना तुम्हारे सर सब्जी लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, सिमिलर फैशन में क्वेश्चन नंबर 21 भी होगा। आई लव यू बोले, आई लाइक यू बोले, आई मिस यू बोले। चीनी घोल के लाई है, मीठा पानी है इसमें, तो जितना कंसंट्रेशन पानी का इस... उतना ही कंसंट्रेशन चीनी का इसमें भी होगा। मैं वो
कोई नहीं लग रहे थे, सोचा नहला देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना है। केमिकल काइनेटिक्स में अगर एक भी सवाल गलत